तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में देखिए मैं ये डेजी फ्लावर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। विंटर सीजन का बड़ा ही प्यारा ब्यूटीफुल प्लांट होता है। सनलाइट मस्ट है इसको, बिल्कुल ज़्यादा सनलाइट आपको देना है 5-6 घंटे की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा देखिए, ये कॉस्मोस फ्लावर से मिलता है, थोड़ा कैलेंडुला से भी मिलता है इसके पंखड़ियाँ। सीड से ग्रो किया जाता है, आसानी से ग्रो हो जाता है ये बीज से। सनलाइट में क्या, आप ज़्यादा से ज़्यादा सन समझ लीजिए कि आपको इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको सनलाइट लाजमी है। ऐसा नहीं कि साए वाले जगह में आप रख दें या ग्रीन शेड के नीचे रख दें, हर किसी नहीं कीजिएगा ऐसा। पानी का आपको बताऊँ तो पानी जब मिट्टी सूखने लगे, जब भी पानी डालें, पानी का भी खास ख्याल रखें इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी, क्योंकि फटाफट सूख जाता है, तो आप खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। 2-3 कलर में मैं देखा हूँ, एक वाइट कलर होता है, एक ये येलो कलर है। जो जो फ्लावर सूख जाए उसको आप कट करके हटा दें ताकि अगला फ्लावर को एनर्जी मिल सके अच्छी तरह। 15-20 दिन बाद गोबर की खाद की लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया करें, ताकि एक गिलास फ्लावर बहुत मिलेगा आपको गोबर की खाद डालने से। और 3-4 दिन बाद पानी के शावर करें अच्छी तरह, पौधे को नहला दिया करें ताकि कीड़े मकोड़े जो भी एक दो आ गया वो निकल जाए, गिर जाए। 8 से 10 इंच के गमले में आप एक प्लांट लगाएं तो बहुत अच्छा चलता है। मिट्टी आपको वैसे तैयार करना है, 30% तकरीबन आपको खाद मिलाना है मिट्टी में, फिर बहुत अच्छा चलता है। ओके फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।